गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y22s फोन में UI कलर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में UI कलर सेटिंग को गाइस इनेबल करके अपने फोन में एप्लीकेशन का आइकन का कलर या फिर गाइस अपने फोन में कंट्रोल सेंटर में आइकन का कलर या फिर सेटिंग में आइकन का कलर गाइस चेंज करना चाहते हैं, बट अगर अपने फोन में चेंज नहीं कर पा रहे मैं आपको सेटिंग गाइस करके बता रहा हूँ अपने फोन में UI कलर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल कर सकते हैं, अपने फोन में आइकन का कलर गाइस कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, फोन की सेटिंग गाइस पहले ओपन कर लेना। फोन की सेटिंग जब गाइस ओपन गाइस करेंगे पहले यहाँ से देखिए मोल पे आते हैं, ठीक है। फोन की सेटिंग हम दोबारा से गाइस ओपन करते हैं। दोबारा से हमने ओपन किया, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, यहाँ पर गाइस क्लिक लेना है। क्लिक जब गाइस करेंगे आपको मिलेगा UI कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना, ठीक है। क्लिक करेंगे आपको मिलेगा सिस्टम एंड ऐप UI कलर, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे फोन में इनेबल है। अगर अपने फोन में आप इनेबल गाइस नहीं किया आप इसको गाइस पहले इनेबल गाइस कर लीजिएगा, ठीक है। इनेबल जब गाइस करेंगे यहाँ पर देखिए आपको कलर मिल जाएगा, जो कलर आपको यहाँ पे यूज करना है इस कलर को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा अप्लाई कलर्स टू आइकन्स, अगर जो एप्लीकेशन है उसका आइकन का कलर गाइस यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस कर सकते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ का कलर यहाँ पे चेंजिंग होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार पांच ऑप्शन है, यहाँ पे सभी चीज़ का गाइस कलर बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगा। तो इसको जब इनेबल गाइस कर देंगे जो कलर आपको यहाँ पे यूज करना है गाइस सेम इसे क्लिक करके अपने फोन में जो जो जिसका भी कलर आपको चेंजिंग करना है उसका कलर गाइस बिल्कुल आप चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ऑलरेडी ऑल बैक आते हैं, ऑल बैक गाइस हम बिल्कुल आ चुके हैं अपने फोन में। अब देखिए हम अगर सेटिंग को गाइस ओपन करते हैं फिलहाल, तो सेटिंग गाइस हमने ओपन किया, ठीक है। दोबारा से हम यहाँ से देखिए सभी चीज़ बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारे फोन में आइकन है, ठीक है, सेटिंग का होगा इस कलर बिल्कुल यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात करें जो एप्लीकेशन का आइकन और उसका भी कलर इसके यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंजिंग है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर को देखिए हम ओपन करते हैं, यहाँ पे गाइस देखिए बिल्कुल कंट्रोल सेंटर में भी आइकन का कलर गाइस बिल्कुल चेंजिंग है। तो सेम इसे सेटिंग करके बिल्कुल गाइस अपने फोन में UI कलर सेटिंग को गाइस इनेबल कर सकते हैं, अपने फोन में आइकन का गाइस कलर बिल्कुल चेंजिंग गाइस कर सकते हैं। गाइस तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।